हम कोई भी चीज़ खाते या पीते हैं तो उसके लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं। मुंह से खाने वाली चीज़ें एक नली के जरिए पेट तक जाती हैं, जैसे हम फूड पाइप यानी कि खाने की नली कहते हैं। ये पाइप हमारे मुंह को पेट से जोड़ती है, जिससे खाना अंदर तक जाता है। लेकिन कभी किसी को खाने पीने या किसी चीज़ में निगलने की परेशानी होती है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि हमारी फूड पाइप में इन्फेक्शन की समस्या हो गई है, जो कि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल अटैक के कारण हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फूड पाइप में इन्फेक्शन की समस्या क्यों होती है। खाने की एलर्जी की वजह से, सांस में किसी तरह की दूषित कणों की वजह से, दवाओं के सेवन से इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन के कारण, धूम्रपान और शराब का सेवन करना, ज़्यादा फैट से भरा खाना खाना, इन चीज़ों की वजह से फूड पाइप में इन्फेक्शन हो सकता है। लक्षणों की बात करें तो भोजन निगलने में परेशानी, भोजन करते समय दर्द, सीने में दर्द, पेट में ज़्यादा जलन होना। अब बचाव क्या है इसके? अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं या आपकी फूड पाइप में इन्फेक्शन हो गया है तो आप डॉक्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करें और उन्हीं की सलाह पे दवा लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।